ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी चीफ मिनिस्टर की पार्टी बीजेपी को नहीं रोक पाई तो कैसे सीडब्ल्यू को रोक पाए। कांग्रेस पार्टी क्या है बताइए, बताता हूं आपको। ये कांग्रेस पार्टी जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो कांग्रेस पार्टी है इसका वेलकम किया। कौन उसके बारे में कहा, किसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम और काटिल फैलेबल, उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी था। ममता बनर्जी का एक चेहरा लोकसभा में, एक चेहरा बंगाल में, एक चेहरा लोकसभा में, उनके एमपी बड़ी बड़ी अच्छी अंग्रेजी में बड़ी बड़ी तकरीर कर लेते हैं, मगर सिविल अमेंडमेंट बिल आया तो 8 MP नहीं थे। किसने भारत सारी दुनिया के सामने बता दिया कि सीडब्ल्यूए का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है, और मैंने सारी दुनिया के सामने मोदी के और उसके 3 सर्दी के सामने उस कानून को फाड़ कर। मगर मोदी जी, अगर आपने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया तो मुर्शिदाबाद के बसने वाले मुस्लिम अकलियत को आप बांग्लादेशी क्यों बोलते? लेफ्ट के लोग बर्बाद कर दिए पूरे बंगाल के मुस्लिम अकलियतों को। अगर आज बंगाल में मुसलमान परेशान है तो लेफ्ट की वजह से उन्होंने बर्बाद कर दिया। ममता बनर्जी आरएसएस के लोगों से मिलती है और मिलकर बोलती है कि आरएसएस के लोग देश प्रेमी है, देश प्रेमी है। और ममता बनर्जी बोलती है उनको कि अगर तुम 1% मेरा साथ दिए तो मैं बंगाल की पूरे मुकद्दर को चेंज कर दूंगी। ममता बनर्जी, तुमने तो 2003 में आरएसएस से हाथ मिला लिया था और आज तुम असदुद्दीन ओवैसी को गद्दार कर दिया। 2003 का 15 सितंबर 2003 का। अच्छा, फिर ममता बनर्जी 2019 का पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, पार्लियामेंट के चुनाव में आप बताइए कि आपने बीजेपी वोट दिया, कितनों ने बीजेपी वोट दे दिया? आप बताओ, शर्मा ने, धरना ने, कितने टीएमसी वोट दिया? दोनों भागू का बात है। 18 बीजेपी कैसा जीत गई? 18 बीजेपी कैसा जीत गई बंगाल से? मैं तो नहीं था ना, हजार तो नहीं था, बीजेपी भी नहीं थी, तो बीजेपी मोदी 18 कैसे जीत गया? टीएमसी का ममता का वोटर मोदी के गोद में बैठ के चाय पी रहा। और ममता बनर्जी, टीएमसी लेफ्ट कांग्रेस हमको अच्छा, फिर रिजल्ट आया तो ममता बनर्जी ने क्या कहा था? मीडिया ने जाकर ममता बनर्जी से क्या पूछा? ए दीदी, बीजेपी इतना जीत गई क्या मुस्लिम की वजह से हुआ? मीडिया को भी शौक था मुसलमान से। तो ममता बनर्जी ने क्या कहा कि हाँ, गाय दूध देती है तो कभी गाय लात भी मारती है। मेरे को जवाब दो, तुम इंसान हो, तुम गाय हो? अगर कोई बंगाल का मुसलमान है वो इंसान है या गाय है? तुम इंसान हो या गाय हो? जोर से बोलो, तुम इंसान हो या गाय हो? तुम दो टांग के हो या चार टांग के हो? तो किसने अख्तियार दिया मुख्यमंत्री को कहने के लिए तुम चार टांग की गाय है? किसने दिया बताओ? अच्छा, फिर मुख्यमंत्री ने क्या कहा? गाय दूध देती है, हम ले लेते हैं, लाल पाल की तो कबूल कर लेते हैं। ममता बनर्जी, हम गाय नहीं है, इंसान है, और इंसान को नौकरी की जरूरत है, इंसान को पानी की जरूरत है, इंसान को घर की जरूरत है, इंसान को नौकरी की जरूरत है, इंसान को स्कूल की जरूरत है, इंसान को पानी की जरूरत है। मगर दीदी, आपने क्या किया? आपने तो दूध भी पी लिया, मलई भी खा ली, मिस्टी वही भी खा ली, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। मैं आपको गाय के रूप में नहीं देखता, मैं आपको इंसान के रूप में देखता हूं। हम इसे इत्तेहाद अल मुस्लिमीन जिन पर भारत का बावकार इंसान के तौर पर देखते हैं, मैं
मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं एक तारीखी शख्सियत को। कितने लोग टीटू मार को जानते हैं? टीटू मीर को, टीटू मीर को जानते हैं? कौन था टीटू मीर? कौन था टीटू मीर? टीटू मीर हाफिज़ कुरान थे। टीटू मीर हाफिज़ कुरान के हज करने गए, जब वापिस आए टीटू मीर, तो जमींदारों ने मुसलमानों पर टैक्स लगा दिया कि जो दाढ़ी छोड़ेगा उस पर टैक्स। तो एक इलाका है नरकल बिराई बोलते हैं, नारकल बिराई में टीटू मीर थे। तो टीटू मीर ने कहा कि हम जमींदारों को दाढ़ी छोड़ने पर टैक्स नहीं देंगे। तो टीटू मीर ने एक किला बनाया जिसको बंसर कला बोलते हैं, बंसर कला बोलते हैं। टीटू मीर ने बनाया और टीटू मीर ने उन जमींदारों अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद किया था, किया था ना। आज सौ दिनों में से आपको बोलने आया कि आपको ना जिहाद करने की जरूरत है, ना हथियार उठाने की जरूरत है, आपको सिर्फ भारत के संविधान को समझकर अपने हक के लिए लड़ने की जरूरत है। उस जमाने में जमींदार थे, अंग्रेज थे, वो तो जमींदार अंग्रेज चले गए, अपने जमींदार आ गए। एक जमींदार टीएमसी, एक जमींदार मोदी, एक जमींदार कांग्रेस, एक जमींदार लेफ्ट, ये जमींदार बन चुके हैं और हम पर टैक्स लगा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, पता है आप अगर आप नहीं लड़ेंगे अपने हक़ के लिए तो क्या कोई आसमान से आएगा, जमीन से निकलेगा? आपको अपने हक़ के लिए लड़ना है। मैं बुजुर्गों से अपील कर रहा हूं, आपको अपने बच्चों के रोशन मुस्तकबिल के लिए लड़ना है, आपको उनके लिए उनका हक संवारना है। ये कांग्रेस पार्टी क्या है बताइए, बताता हूं आपको। ये कांग्रेस पार्टी जब बाबरी मस्जिद का फैसला आया तो कांग्रेस पार्टी ने इसका वेलकम किया। कौन उसके बारे में कहा, किसने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम और काफी फैलेबल, उसका नाम असौद्दीन ओवैसी था। ममता बनर्जी, पूछो उनसे डीएमसी से कि राम मंदिर का जजमेंट आया उसके बारे में आपकी क्या राय है, तो बोलिए नाम बोलेंगे वो लोग खामोश बैठे। कांग्रेस के बहुत बड़े चीफ मिनिस्टर कमलनाथ ने ईंटें भिजा दी, प्रियंका गांधी ने उसका वेलकम किया। ये कांग्रेस पार्टी है जो आपके वोटों से मुर्शिदाबाद मालदा में बरसों से हुकूमत करके आ रही है और कुछ नहीं किया है। आप ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में आया तो कौन उसके खिलाफ बोला? आपने देखा होगा किसने बोला ट्रिपल तलाक के खिलाफ? जब ट्रिपल तलाक का बिल पार्लियामेंट में मैंने वोट दिन का मुतालबा किया तो पूछो टीएमसी से, टीएमसी ने वॉकआउट कर दिया। वोट क्यों नहीं डाला? वोट क्यों नहीं डाला? वॉकआउट किया, वोट डालना था, बताना था मोदी को कि तुम्हारे खिलाफ वोट दे रहे हैं। हम खाली दो एमपीए लोकसभा में, मगर मोदी के 300 एमपी के सामने उसके खिलाफ बोल के वोट दिया। ममता बनर्जी का एक चेहरा लोकसभा में, एक चेहरा बंगाल में, एक चेहरा लोकसभा में, उनके एमपी बड़ी बड़ी अच्छी अंग्रेजी में बड़ी बड़ी तकरीर कर लेते हैं, मगर सिविल अमेंडमेंट बिल आया तो 8 एमपी नहीं थे। किसने बाहर सारी दुनिया के सामने बता दिया कि सीडब्ल्यूए का कानून भारत के संविधान के खिलाफ है और मैंने सारी दुनिया के सामने मोदी के और उसके 300 के सामने उस कानून को फाड़ कर कांग्रेस ने किया? क्या टीएमसी ने किया? लेफ्ट तो कहीं है ही नहीं चाहता। यह कांग्रेस और लेफ्ट तो मेडिकल शॉप में जब जाकर दवा लेने के लिए तो दवा के नीचे ऊपर लिखा होता कि कब बनी, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, डेट ऑफ एक्सपायरी। ये कांग्रेस दल का डेट ऑफ एक्सपायरी हो चुका, इनसे कुछ नहीं होगा, इनसे कुछ नहीं होगा आप कांग्रेस और लेफ्ट फ्रंट से। ये लेफ्ट के लोग बर्बाद कर दिए पूरे बंगाल के मुस्लिम अकलियतों को। अगर आज बंगाल में मुसलमान परेशान है तो लेफ्ट की वजह से उन्होंने बर्बाद कर दिया। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। जो काल आज लेने क्या क्या बातें की, इन खराब आएगा, इन खराब, अरे कहा इन खराब।
बच्चे को नौकरी नहीं मिली, मेरे घर में तनाव आई है और तुम एक तनाव की बातें करते हो। कितना धोखा दिया तुमने 30 साल में मेरे भाई, याद रखो। मेरी जिंदगी कब तक है अल्लाह जानता है, मगर मैं आपसे कह रहा हूं, जब तक आप सियासी तौर पर मुतहिद नहीं होंगे, जब तक आप सिर्फ वोट डालने वाले के साथ साथ वोट लेने वाले नहीं बनेंगे, आपके मसाइल नहीं हल होंगे, आपके प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होंगे, आपके प्रॉब्लम्स नहीं सॉल्व होने वाले। मेरी बात को याद रखो आप, हो सकता है कि किसी को मेरी बात गलत दिख रही होगी, मगर आपके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होंगे, आपके मुश्किलात का खात्मा नहीं होगा, आपके बच्चे जेलों में सड़ते रहेंगे, उनकी जवानी बर्बाद हो जाएगी, हमको गवर्नमेंट में नौकरियां नहीं मिलेंगी। ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है यहां, हमारे संविधान में राइट टू इक्वालिटी फंडामेंटल राइट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटरनिटी जस्टिस बाबा साहब अम्बेडकर ने प्रीएम्बल में लिखी। तो बताओ क्या कांग्रेस ने किया, क्या लेफ्ट ने किया, क्या मंदा ने किया, क्या मोदी कर रहे, कोई नहीं कर रहा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आपने सबको वोट दिया है, एक मरतबा मिलने से इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ देकर देखो, एक मरतबा साथ देकर देखो। मैं आपसे वादा कर रहा हूं कि इंशाअल्लाह ताला जो काम 70 साल में नहीं हुए, वो काम हम इंशाअल्लाह ताला 5 साल में करवा के आपको दिखाएंगे। मेरी ये कोशिश है, मेरे मजलिस के साथियों की कोशिश है, आपकी दुआओं का मैं मोहताज हूं, आपके दुआओं का मोहताज हूं, सिर्फ मैं आप सिर्फ दुआ करो हमारे लिए, हम अपनी कोशिश और जस्तजू और कुर्बानियों को जारी रखेंगे। और जहां तक सवाल है नरेंद्र मोदी का, माशाल्लाह क्या क्या हो सकता है, बांग्लादेश नरेंद्र मोदी है, कल जाकर बोल दिया, कल जाकर नरेंद्र हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि मैंने भी सत्याग्रह किया था बांग्लादेश, हमको नहीं मालूम था प्राइम मिनिस्टर के आपने सत्याग्रह किया, जो आपके बारे में किताब लिखे उसमें तो कहीं नहीं मिला कि आपने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया था, मगर मोदी जी बोल बोल दिए। मगर मोदी जी, अगर आपने बांग्लादेश के लिए सत्याग्रह किया तो मुर्शिदाबाद के बसने वाले मुस्लिम अकलियत को आप बांग्लादेशी क्यों बोलते हैं, बोलते हैं ना, दीमक भी बोलते हैं, मगर बांग्लादेश को बनाने के लिए आपने सत्याग्रह किया तो हमको क्यों गाली दे रहे हैं आप। हैदराबाद में बल्दिया का इलेक्शन हुआ तो बीजेपी बोली हैदराबाद में ओवैसी के पास से बांग्लादेशी थे, वो बांग्लादेशी नहीं थे, वो बंगाल के सोने का कारोबार का काम करने वाले हाफिज लोग बसते मेरे पास, उनको बांग्लादेशी। सीडब्ल्यूए का कानून नरेंद्र मोदी लाए, सीडब्ल्यूए का कानून आसाम में, मोदी सीडब्ल्यूए की बात नहीं कर रहे, मोदी और अमित शाह बंगाल में, यहां पर असेंबली इलेक्शन में सीडब्ल्यूए की बात कर रहे, आसाम में नहीं कर रहे, यहां कर रहे। मैं आपको बता रहा हूं, ममता बनर्जी की टीएमसी पार्टी चीफ मिनिस्टर की पार्टी बीजेपी को नहीं रोक पाई तो कैसे सीडब्ल्यूए को रोक पाई। सभी अहम खबरों के लिए न्यूज एमएक्स को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।